के लिए कुछ बहुत मोटी मोटी बातें बता रहा हूं जिसको रोज कर सकते हो। एक तो गर्म पानी पियो, सुन लो, मोटापा के लिए गर्म पानी ये दवाई है। आप यदि एक महीने भर गर्म पानी ही पीते हैं तो आप कम से कम 2 किलो वजन घटा सकते हैं खाली गर्म पानी पी के, और 12 महीने गर्म पानी पिया तो कितना कम हो जाएगा? बोले बाबा फिर तो प्राणायाम करने की जरूरत ही नहीं है। प्राणायाम भी करना लेकिन गर्म पानी पीना, जब भी प्यास लगे गर्म पानी पी। इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, मैं कोई बात मैंने प्रयोग किए हैं लोगों के ऊपर ये तो है ही, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जापान देश। जापान में 99% लोग मोटे नहीं होते। क्या पीते हैं सुबह से शाम तक? गर्म पानी पीते हैं ये लोग तो, और हम लोग पानी में भी आइस डाल के, फिर फ्रीज का पानी। फ्रीज का पानी तो जहर है, कभी नहीं पीना। खैर अब तो सर्दियां, अब तो पियोगे तो वैसे ही जुकाम हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर से लेनी चाहिए कोई चीज। बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर क्या है? बॉडी टेम्परेचर पर यदि हम रहें तो सबसे अच्छा होता है। खाएं पिए जो भी चीजें, बहुत ज्यादा गर्म बहुत ज्यादा ठंडी चीजें, ये दोनों ही नुकसान करती हैं। बहुत ज्यादा ठंडी चीजों से कफ बढ़ेगा, वायु बढ़ेगा। बॉडी टेम्परेचर कितना है बोलो? 37। और फ्रिज का जो पानी होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? कुछ तो इतना चील्ड पीते हैं, 5 to 10 degree Celsius। 3 गुना 4 गुना ज्यादा ठंडा कर दिया आपने और फिर पी रहे हो। फिर तो थायराइड ही हो गई, फिर तो गला खराब होगा, टॉन्सिल होंगे।